क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। और अकाउंटिंग रेशियो में कई सारे रेशियोज आते हैं, जिसमें पहला ग्रुप बनता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर लिक्विडिटी चेक किया जाता है एक्चुअली में किस तरह से लिक्विडिटी है, जो कि लिक्विडिटी चेक होती है करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। तो ऐसे में हमारे पास दो रेशियो होती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो दो रेशियो कौन सा है, एक है करंट रेशियो और सेकेंड है लिक्विड रेशियो। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, लिक्विड रेशियो के तीन नाम होते हैं, एक होता है लिक्विड रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो और एक नाम और है, दैट इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। तीनों को किसी भी नाम से दिया हो सकता है, आपको समझना है एक ही चीज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। हमें इस क्वेश्चन से करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट करना होता है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, ध्यान रखिए गारंटेड है एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब अदर बोर्ड से है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें ये समझना है कि एक्चुअली में करंट रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और करंट क्विक या लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जहां पर अगर फार्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले करंट रेशियो शॉर्टकट लिखते हैं सीआर। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये जो सीए है ना, एक्चुअली में सीए का पूरा नाम है करंट रेशियो, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये है करंट एसेट्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है सीएल, ये जो सीएल है इसका इसका पूरा नाम है करंट लायबिलिटीज। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक ना, कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, करंट असेट्स पे क्या क्या आता है। करंट असेट्स में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट असेट्स में आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम होते हैं, एक होता है बिल रिसीवेबल, दूसरा होता है डेब्टर्स। इसके अलावा क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, क्या आता है बेसिकली कैश एंड जो आइटम्स आते हैं उसमें आता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है ना। उसके आता है करंट करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है ना। एक्रूड इनकम हो गया, ठीक है ना, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये सब हमारा करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। करंट लायबिलिटी में क्या होता है, करंट लायबिलिटी आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो आइटम होते हैं, एक होता है क्रेडिटर्स, दूसरा होता है बिल्स पेबल। ये करंट लायबिलिटी की पार्ट है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग लिखा हुआ रहता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या फिर प्रीपेड इनकम है, ये सब भी हमारे लायबिलिटी में आती है, करंट लायबिलिटीज में। अब क्वेश्चन में देख के पता करना है इसमें से कौन कौन से आइटम है। सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लीजिए, उसका टोटल करना है, करंट लायबिलिटी निकाल लीजिए, उसका टोटल करना है, और दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। और रेशियो ध्यान रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन और बनता है दैट इज आइडियल रेशियो, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, ये आइडियल होता है क्योंकि 1 मार्क्स में एमसीक्यू से पूछा जाता है। दूसरी तरफ लिक्विड रेशियो या फिर एसिड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब बात होती है क्विक एसेट्स कैसे निकले। यहां पर जो क्विक एसेट्स होता है, क्विक एसेट इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां पर इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी जितने भी करंट एसेट्स होते हैं ना, वो हमारा लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, उसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं या फिर क्विक एसेट्स जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। एक बार में एक चीज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, राइट। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा अलग से और हमें ढूंढना पड़ेगा करंट लायबिलिटी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, गुडविल जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, इंटेंजिबल है। इन्वेंटरी करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, प्रोविजन जो है करंट लायबिलिटी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास प्रोविजन दे रखा होता है तो ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 133 उसको लेंगे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वो भी शॉर्ट टर्म है, ये भी करंट एसेट्स है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा करंट एसेट्स है। दूसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट्स है। तो 1, 2, 3, 4 पांच आइटम करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें सबसे पहले करंट एसेट्स निकालते हैं, दैट इज करंट एसेट्स इक्वल टू ऐड कर दीजिएंगे, दैट इज इन्वेंटरीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल
इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म, चाहे तो लिख दो ब्रैकेट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है प्लस एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, और लास्ट में क्या दे रखा है, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, एक चीज और दे रखा है, सॉरी भूल गया बताना, एक्यूरेट इनकम भी हमारा करंट अकाउंट से आइटम होगी। तो दिस वन एक्यूरेट इनकम, और इन सबको में क्या कर देना है, इसकी वैल्यू को रख दीजिए। तो इन्वेंट्री कितना दिया होगा वहां पर, देखिए 2,50,000, राइट। ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है, 135 में से 5,000 लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1,30,000, प्लस इन्वेस्टमेंट 30,000, प्लस एडवांस एक्सपेंसेस 20,000, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, एंड लास्ट एक्रूड इनकम दिस वन 10,000। हो गया यहां तक। अब हमें क्या करना है, इन सबका टोटल, अगर ये सबका टोटल करते हैं तो कितना टोटल हो गया आ रहा है, टोटल कर दीजिए, ये हो गया, देखिए जोड़िए, ये हो गया तुम्हारा कितना, 10,000, 50,000, 70,000, ये हो गया 1,00,000, 2,30,000 हो गया, 2,70,000 हो गया, ठीक है ना, 2,81,000, यानी कि 4,80,000, ये हो गया हमारा करंट एसेट। समझ में आ गया कैसे टोटल की है, टोटल करना आना चाहिए। करंट एसेट्स आने के बाद हम निकालेंगे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा हमें चेक करना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटी का बात करें तो इसमें क्या क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, और एक्सपेंसेस पेबल, ये करंट, इन चार आइटम है। तो इन चार आइटम को हमें ऐड कर देना है, तो चारों आइटम को ऐड कर लेंगे, तो दैट्स वन, देखिए यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस ट्रेड पेबल प्लस एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल का मतलब ये होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब जो अभी तक पे नहीं हुआ है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 30,000, ट्रेड पेबल 95,000, और एक्सपेंसेस पेबल हो गया 5,000। अब ऐड करना रह गया 95, 1,00,000, और ये हो गया 1,50,000, ठीक है ना, सारी वैल्यू आ गई, आ गई ना। अब इसको उठा के इस बार एक फार्मूले रखिए, दैट इज करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि 4,80,000 डिवाइडेड 1,50,000, चार जीरो से चार जीरो कट गया, 15 से 48 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 15 3 45, नहीं आता तो इससे डिवाइड करेंगे 48, 15 3 45, बचा के कितना, 3 पॉइंट लगाया, 0 15 2, दैट इज 3.2, क्योंकि रेशियो है, तो आंसर कैसे होगा, करंट रेशियो इक्वल टू 3.2:1, दिस वन आवर आंसर, 3.2:1, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें दूसरा चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, हमसे कहा गया है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, और यहां क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी तो हमारे पास है, करंट लाइबिलिटी तो हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्विक एसेट्स, हमें चाहिए क्विक एसेट्स, और यहां क्विक एसेट्स निकाल लेंगे, ठीक है, तो निकाल लीजिए क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट लाइबिलिटी दे रखा है 440। क्विक एसेट्स के बारे में क्या बताया था, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों शामिल नहीं रहते हैं, तो इन दोनों को हटा दो, टोटल में से 2,50,000 इसका माइनस 2,50,000, प्लस एडवांस एक्सपेंसेस दे रखा है, और एडवांस एक्सपेंस कितना दे रखा है 20,000, ये हो गया 20,000, इन दोनों को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 में से हमें माइनस कर देना है 480 माइनस 250 यानी कि 270, तो बचेगा ये 2,10,000, ये हो गया क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स मिल गया। अब जब क्विक एसेट्स मिल गया, हमें निकालना है क्विक रेशियो, दैट इज क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स 2,10,000 डिवाइडेड बाई करंट
करंट लायबिलिटी कितना हो गया 1,50,000, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 40 से, 40 कट गया, अब हम डिवाइड करेंगे 15 से 21 को, 15 बन जा 15, ठीक है, ये हो गया कितना 6, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 15 फोर था, दैट इज आंसर हो गया 1.4/1, दैट इज 1.4:1, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, क्विक रेशियो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके सर इसमें कोई डाउट है, मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। ये है हमारा पार्ट वन। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्बल टाइम में होते हैं, अननोन वैल्यू दे रखी होती है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।